हेलो दोस्तों दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आप जो है रिटेल के लिए और होलसेल के लिए जो एंट्रीज होती है, जैसे कि आप ट्रांजेक्शन में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे एक रिटेल बिल आ रहा है ऑप्शन और एक होलसेल बिल ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें आज हम क्या सीखेंगे कि आप जब परचेज एंट्री करते हैं तो वहीं पे आप जो है रिटेल का रेट डालते हैं और होलसेल का भी रेट। मान लो जो आइटम के अंदर ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, आपने ऑप्शन ए को रिटेल के लिए रख दिया, ऑप्शन बी होलसेल के लिए रख दिया। तो अगर आप चाहें, अब आप चाहते हैं कि मैं होलसेल पे क्लिक करूं तो यहाँ पे होलसेल वाला रेट आए, और अगर मैं यहाँ पे रिटेल करूं तो रिटेल वाला रेट आए, ऑटोमेटिक आए, मुझे कहीं पे कुछ करना ना पड़े, बस एक ही बार हमें एक सेटिंग करना पड़े। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में और जाने कैसे आपको ये करना है, सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे, परचेज से देखेंगे, आइटम बनाने से देखेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहें, देखें समझें और इस चीज को करना आप सीख लेंगे, बहुत आसान है ये। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप परचेज एंट्री करेंगे क्योंकि परचेज से ही जो है आपका ये स्टार्ट होगा। तो मैं परचेज पे गया और जिस पार्टी से भी आप परचेज कर रहे हैं आप पार्टी को सिलेक्ट करिए। मैंने अभी फिलहाल कैश ले लिया, बिल नंबर डाल दिया यहाँ पे और कैश मैंने परचेज ले लिया। अब देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट मैंने एक आइटम बनाया हुआ है मिक्सर ग्राइंडर के नाम से, और इसके अंदर अभी किसी भी तरीके का कोई भी प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि हम प्राइस जो है अभी डालेंगे। मैंने एंटर किया और जो भी इसका सीरियल नंबर आईडी नंबर होता है वो यहाँ पे डालना है। जैसे जो भी आपका बिजनेस होगा, अगर आपका फार्मा है तो वहाँ पे बैच एक्सपायरी आएगा, अगर आपका गारमेंट है तो साइज आएगा, तो नीचे वो आपको डालना होता है। मेन जो चीज है वो यहाँ पर है। अब मैंने जैसे इसका 50 क्वांटिटी परचेज किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने रेट डाल दिया कि मुझे ये 2500 रुपये में आया है, और एंटर एंटर करके जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है ये आपको दिखेगा अलग से लास्ट में एक विंडो, और यहीं पे देखो ऑप्शन होता है एमआरपी का, और यहीं पे ऑप्शन है आपके रेट ए रेट बी का। अब जैसे इसका एमआरपी जो है वो है मान के चलिए 80 रुपये का, और रेट ए को आप जजमेंट करके चलिए, आप पहले से मान कर चलिए कि रेट ए आपका रिटेल रेट है और रेट बी आपका होलसेल रेट है। अब जैसे मुझे रिटेल में इसको सेल करना है 75 रुपये में, और होलसेल में मुझे इसको सेल करना है 65 रुपये में, यानी कि 65 रुपीज में, उसके बाद एंटर कर देना है। फिर दोबारा एंटर करेंगे, एक हम आइटम और भी बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। F2 किया मैंने यहाँ पे, और F2 करने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया आयरन 1000 वोल्ट, और उसके बाद जिस कंपनी का भी है जो भी है आप ये सारी चीजों को डाल देंगे। अब देखो हमारा यहाँ पे एक आयरन भी बन गया। अब मैंने इस पे एंटर किया और इसका भी मैंने मान लो 25 क्वांटिटी परचेज किया, और ये आयरन जो आया है 60 रुपये का आया है। और उसके बाद एंटर एंटर करेंगे, लास्ट में जो रिटेल है, अब इसकी जो एमआरपी है 200 रुपये की है, रिटेल में मुझे इसे सेल करना है 190 का और होलसेल में सेल करना है 140 रुपये का। तो आपने पहले से मान लिया रेट ए आपका रिटेल है, रेट बी आपका होलसेल है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू किया और इसको मैंने सेव कर दिया। अभी जो दिक्कत आपके साथ आ रही है कि अगर आप रिटेल करते हो, जो दिक्कत आपके साथ आ रही होगी, अभी देखिए मैं रिटेल करने जा रहा हूँ, यहाँ पे ये भी रिटेल में भी 190 रुपये का बिक रहा है, जो कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको कि 190 में बिक रहा है। लेकिन अगर आप होलसेल करने जाओगे तब भी जो है वो आइटम आपका 190 रुपये में सेल हो रहा है। यहाँ पे ये दिक्कत है कि यहाँ पे 190 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आपका आना चाहिए था जो भी हमने रिटेल के लिए रेट रखा है वो आना चाहिए था। अब इसको कैसे करना है ये समझिए, रिटेल में तो हमारा सब कुछ ओके चल रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये इसके लिए अब आपको क्या करना है। आपको आना है जो ट्रांजेक्शन पे, सेल और होलसेल पे। अब जो भी पार्टी आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो होलसेल में आपको पार्टी बनाना जो है कंपलसरी होता है। तो अभी हम यहाँ पे पार्टी क्रिएट करते हैं, F2 किया, सेकेंडरी डेटर किया, और मैंने यहाँ पे पार्टी का नाम डाल दिया मान लो राम एंटरप्राइजेस, और उसके बाद जो भी इसका एड्रेस मोबाइल नंबर ये सब कुछ आप बाद में डालेंगे। अब जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके का एक ऑप्शन आता है जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको क्या करना है, जैसे ही लेजर सेव हो जाएगा तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन है अदर डिटेल बी में, अब इस पे आप एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप देखेंगे ध्यान से सेल रेट, और यहाँ पे हो रखा है ए, लेकिन हमने क्या बना रखा है होलसेल का, बी रेट बना रखा है। तो मैंने इसको बी करा और कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया। अब आप चेक करना, पहले वही रेट आ रहा था, लेकिन अब देखिए अभी जैसे ही मैं राम एंटरप्राइजेस को सेल करूंगा तो अब देखिए हमने 140 रुपये का रेट रखा हुआ था इसका होलसेल का, जो कि 140 आपको शो हो रहा है, और इस नीचे वाला जो आइटम है दूसरा, इसका हमने रेट रखा था 65 रुपये, और रिटेल में रखा था इसका हमने 75 रुपये।
ये देखिए आपका रेट का जो है सॉल्यूशन हो गया, बिल को सेव करूंगा तो बिल पे भी आपको यहाँ पे रेट दिखेगा वही जिस रेट में जो आप बिलिंग कर रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे 140 का रेट गया इसको और ये 65 रुपए का रेट गया, एमआरपी कितना है, एमआरपी ये सब कुछ आपको शो हो रहा है। अब ऐसे ही मैं अगर रिटेल करूंगा तो रिटेल में देखना रेट अलग है। बस हमने एक ही चीज की जो कि बहुत ईजी है, जब भी आप पार्टी क्रिएट करते हैं तो उस समय पे देखो 190 आ रहा है और ये 75 आ रहा है, हमारे उस वाले में रेट वो अलग आ रहा है। तो ये भी मैं बिल सेव करता हूँ, इसको भी सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका कितना शो कर रहा है, 265 एंड के बटन से हमने इसको सेव कर दिया। तो ये देखिए अब यहाँ पे आप देखिए जो हम रिटेल में सेल कर रहे हैं उसका रेट 190 है और एक दूसरे का हमने 75 किया है। अब आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही क्या काम किया कि लेजर जब हमने बनाया तो लेजर बनाते समय अदर डिटेल में जाके हमने उसको बी कर दिया, बस इतना ही हमने काम किया है, बाकी सारी चीजें हमारी वैसे की वैसे ही चल रही है और हम रिटेल होलसेल का जो रेट हमने डिसाइड किया था वो हम इसको अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका रिटेल और होलसेल के रेट को लेकर तो आप मुझे जो है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आने वाले टाइम पे मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है या कस्टमाइज कराना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।